चाहते हैं कि शास्त्री पार्क में भी हज्जल शकीला जी आए। आपके नजर में कोई ऐसा उम्मीदवार है जो आपके क्षेत्र में काम इस वक्त हाजी अफजाली जो उम्मीदवार ऐसे दिखाई दे रहे हैं? काम क्या है आपके क्षेत्र में जो आज हाजी अफजाल हज्जल शकीला शकीला कर रहा है? करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, उनको उम्मीद है हमारे को। शास्त्री पार्क क्षेत्र में हूँ और अकरम बिरयानी वाले का ये क्षेत्र है, शास्त्री पार्क बहुत बड़ा है। मैं दूसरों को क्षेत्र की जनता को ये बता देना चाहता हूँ, गली नंबर 7 है ये और जहाँ पर अकरम बिरयानी वाला फेमस है। खैर मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ ना उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं दूसरों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम शास्त्री पार्क क्षेत्र में आए, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपके? सर मोहम्मद रिजवान कुरैशी। जी रिजवान कुरैशी। रिजवान कुरैशी जी, तो आप कहाँ के रहने वाले साहब? यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के, यहाँ पर दिल्ली में कहाँ रहते हैं? शास्त्री पार्क गली नंबर 12 में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग जैसे कि नगर निगम का चुनाव चल रहा है, आप लोगों की क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या है जी सर, पानी की समस्या, नाला की समस्या। क्या नाम है सर आपका? हाजी मोहम्मद सेमिल। कहाँ रहते हैं सर? 15 नंबर गली शास्त्री पार्क। इसी क्षेत्र में कौन सा ब्लॉक है? ये ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक वार्ड कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 225। वार्ड नंबर 225 न्यू सीलमपुर शहर में है ये। अच्छा, तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ आप, हम यहाँ पर किसी के लिए नहीं आए, हम सिर्फ आप लोगों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। हम आपके बताएं आप लोगों की समस्या क्या है क्षेत्र? सर हमारे लिए कुछ समस्या ये है, पानी, उसके बाद नाला, उसके बाद स्कूल, बच्चे की शिक्षा, ये सब जो है हम लोग को चाहिए। और क्या चाहिए हम लोगों को? तो शिक्षक तो केजरीवाल कह रहे हैं शिक्षा फ्री हो रही है, जबकि स्कूलों के बुरा हाल है। आप फ्री के चक्कर में तो सारा देश खत्म हो रहा है, फ्री ना कुछ चाहिए। तो इस बार आपका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? हमारा कैंडिडेट वो होना चाहिए जो हमारे लिए हर वक्त काम आए, हमारे सुख दुख में, हमारे नाले और पानी, बिजली, क्या कहते हैं, सड़कें, ये सब में काम आना चाहिए। इसके लिए हम लोग सरकार बना, ये पार्टी चुननी थी, इसलिए हम लोग जो है हाजी अफजाल और हज्जल शकीला को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इंशाल्लाह इनको जो है लाने की पूरी तैयारी हम लोगों की। सर हज्जल शकीला ने, हाजी अफजाल ने ऐसा क्या किया है? सर आप सीलमपुर के कोने कोने गली गली में हर जगह चले जाए और वहाँ के सड़कें, वहाँ की रोड, उसकी मासीबा, वहाँ की नाले देख ले, हर गली, हर क्या कहते हैं चौराहा चमकता हुआ नजर आ रहा है सीलमपुर के अंदर। तो इसलिए हज्जल शकीला को आप पसंद करते? जी साहब, जी साहब। उनका निशान का पता कुछ? जी ऑटो उनका निशान है जी ऑटो पे इंशाल्लाह। भैया क्या नाम आपका साहब? इंफॉर्म। ऐसा लगता है आपका साहब हज्जल शकीला के सपोर्टर तो नहीं होते? नहीं भाई, सपोर्टर क्या, जो भी चाहिए याद करेंगे। क्या नाम साहब आपका? इंफॉर्म। गुलफाम भाई, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए आपके क्षेत्र में? कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में हज्जल शकीला जैसा होना चाहिए। अच्छा, हज्जल शकीला जी जैसा होना चाहिए। लेकिन सर जैसे भाई साहब ने बताया है कि हमारे क्षेत्र में, क्या हज्जल शकीला ने आपको विश्वास दिलाया कि हम यहाँ के क्षेत्र की जनता की समस्या उठाएंगे? बिल्कुल विश्वास दिलाया है। सीलमपुर के अंदर हमें जो काम देखा है, सीलमपुर में जो हमने सारे काम देखे हमें बढ़िया लगे हैं, नालियों के, कूड़े के, किसी भी तरीके के काम, वहाँ पे सारे काम अच्छे हुए हैं और बहुत बढ़िया काम हुए हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि शास्त्री पार्क में भी हज्जल शकीला जी आए और ऑटो चुनाव चिन्ह पे हम निशान लगाएंगे, उन्हें विजय बनाएंगे। सर आपको सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं सर? जी। जर्जर पड़ी है, इसमें जब से बनी कोई रहता है इसमें? इस पर क्षेत्र के किसी नेता ने आवाज उठाई सर? नहीं, कोई नहीं उठाया। कैमरे पे एक बार। तो हज्जल शकीला से और हाजी अफजाल जी से आप ये कंफर्म जानकारी देंगे कि सब इस बिल्डिंग के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा लगा हुआ है? जी जी, करेंगे हम, इसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। तो और शकीला या हाजी अफजाल आपके क्षेत्र में आते रहते हैं? जी बिल्कुल आते रहते हैं। आप बताएं साहब, इस क्षेत्र में सफाई का काम नहीं होता बिल्कुल भी जो है? और क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? पीने का पानी, पानी भी है गंदा ही आता पानी से पीने का। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं पानी फ्री है। पानी फ्री है, फ्री का तो चक्कर ही बर्बाद है, इसीलिए खत्म आ रहा पानी। अच्छा, तो आपका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम ना करे हो और सबके लिए एक साथ एक जैसा काम करे सर। कुछ लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे और हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं, कुछ लोग फ्री फ्री योजना के नाम पे वोट लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब बर्बाद करने वाले देश को, जो फ्री के नाम पे या हिंदू मुसलमान करने के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी नजर में कोई ऐसा उम्मीदवार है जो आपके क्षेत्र में काम कर सके? इस वक्त हाजी अफजाल जो उम्मीदवार ऐसे दिखाई दे रहे जो इस चीज पे जो है
हाजी अफजल तो उम्मीदवार नहीं है, उनके तो पत्नी उम्मीदवार है। अच्छा हाजी अर्जुन सकीला फेमस तो है। हाँ हाजी अफजल ही फेमस है, देश की स्थिति ऐसी है। थोड़ा सा भाई साहब की तरफ जाना, ये तो भाग आ रहे हैं भाई साहब, ये भाग रहे हैं, भाई साहब से बात करते हैं। जी भाई साहब, इस वक्त हम आपके क्षेत्र की समस्या जानना चाह रहे हैं। आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? क्षेत्र की समस्या बहुत गंभीर है, कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है। पीने का पानी कैसा आता है? गंदा पानी, कभी कोई गंदा भी आता है, कभी आता भी नहीं। जब गंदा पानी आता है तो खरीद के पीना पड़ता है। हाँ जी, चलो ठीक है। तो फिर आपके पास में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वे पदाधिकारी हो रहे होंगे? हम तो वोट हाजी अफजल को देंगे। हाजी अफजल को? तो उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है आपके क्षेत्र में जो हाजी हाजी अफजल हजन सकीला सकीला कर रहा है? करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, उनको उम्मीद है हमारे को। ठीक है, तो आपने शास्त्र पार्क की जनता की आवाज सुनी है, ज्यादातर हजन सकीला की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर भी बात कही है इन लोगों ने कि पानी पीने के पानी की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। सेहत है तो सिरता है, सड़क है। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सामने सड़क दिख रही है आपको? जी सर दिख रही है। हाँ, तो इसको देखा कि आम आदमी पार्टी के अंदर अंतर्गत आती है सड़कें जो टूटी पड़ी है कई सालों से, तो उस पर क्या बताएंगे सर? सर बताना क्या, इसको बनवाए, रिपेयरिंग करवाए और क्या। तो क्षेत्रीय विधायक से डिमांड रहेगी नहीं रहेगी? क्षेत्रीय विधायक को बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? बनानी चाहिए। जो आदमी चुनाव के दौरान नहीं बनवा रहा, वो चुनाव होने के बाद बनवा देगा सर? नहीं, नहीं बनवाया। तो फिर क्या उम्मीद रखी जा सकती है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से या कांग्रेस से? आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट इस क्षेत्र से गायब है, टिकट मिलने के बाद में इलाके की जनता परेशान है कि आम आदमी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिसे टिकट देती, जो इलाके में पब्लिक के सामने तक नहीं आया। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आइए और लोगों की राय। ऐसा थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रहे थे, थोड़ी सी बताइए आप लोगों के क्षेत्र की। लोगों से पूछिए, हमें पता नहीं। कोई समस्या नहीं आपको? आपकी कोई समस्या नहीं सर? कोई समस्या तो होगी आपकी भी? जिस चीज की? पीने के पानी की, टूटी हुई सड़कों की, शिक्षा की, कोई समस्या है क्षेत्र की? नहीं, समस्या तो बहुत सारे है, सरकार पूरा कर पाती है। ये तो पूछ रहे सर, चुनाव का दौरान चल रहा है तो आपकी कोई डिमांड तो होगी, बच्चे तो आपके भी होंगे। सारे ही चीजें यहाँ पे, लेकिन कोई चीज की जो है सफाई नहीं होती है इसकी, यहाँ की नाली की गंदगी रहती है हमेशा यहाँ पे, तो उसका क्या समाधान होगा? यहाँ पर कुछ लोग कह रहा है कि हजन सकीला जो है वे क्षेत्र में अच्छा काम कराया, उन्होंने न्यू सीलमपुर में वे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त ज्यादातर लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है? नहीं तो न्यू सीलमपुर में किया तो शास्त्री पार्क में भी करना चाहिए, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं करेंगे, करना चाहिए। हजन सकीला को उधर का भी काम करना चाहिए और लोगों से भी। क्या कुछ कह रहे थे फिर से आप? नहीं कह रहे, यहाँ की क्षेत्र की जो सफाई व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है, नालियां जाम है। जो पिछले 5 साल में कार्यकाल में निगम पार्षद रहे, पूर्व मेयर चेयरमैन सादरा जोन के जी, उनका इलाके में कभी आना नहीं हुआ जी। इस क्षेत्र की जनता ये चाहती है जो भी कैंडिडेट यहाँ से आए। क्षेत्रीय विधायक भी आपके क्षेत्र में आए या नहीं आए? बहुत ही बराबर, ना के बराबर, केवल दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, पोस्टर से ही पहचाना जाता है कि ये विधायक है हमारे, यही पार्षद है, गली कोने पे बोर्ड लगाते हैं के गरवाल चेयरमैन जोन ये वो, केवल इसी से पता चलता है। क्षेत्रीय विधायक कौन है? अब्दुल रहमान, आम आदमी पार्टी जी। तो आप देखे नहीं कभी? कभी कभार पोस्टरों में देख लेते हैं, ईद त्योहार यानी कि दीवारों पे चस्पा नेताओं को देख लेते हैं। हाँ। अच्छा, सड़क से लेकर सांसद तक चीखने चिल्लाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता भी कभी आपके बीच आते हैं? कोई नहीं आया हमारे बीच में अभी तक, कोई नहीं आया। वोट मांगने भी नहीं आए अभी तक? कोई भी नजर ही नहीं आया हमारे इलाके में। देखिए, इस क्षेत्र की बदहाली और बदकिस्मती भी साथ में है। बदकिस्मती ये है कि नेता किस बार में वोट ले लेते हैं, लोगों को बहला फुसला कर वोट ले लेते हैं, फ्री फ्री के नाम पे वोट ले लेते हैं, जनता से हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट ले लेते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट ले लेते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की जो समस्या, गरीब लोगों की, झुग्गी वासियों की, पीने के पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, सड़कों की समस्या, इस पर कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लेडी से खड़ी हैं, इनकी राय भी जानना चाहते हैं। जी, आप लोगों की कोई समस्या है क्षेत्र की? सारी समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। क्षेत्रीय विधायक कहते हैं कि पानी भी विधायक तो कभी आया ही नहीं है। कौन है विधायक यहाँ पे, जानते हैं? अब्दुल रहमान, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से। खैर, उन केजरीवाल से कोई शिकायत नहीं है। हाँ। विधायक से शिकायत है। अच्छा, केजरीवाल से कोई शिकायत? कोई शिकायत। नगर निगम का चुनाव आ रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे नेताओं के सामने आपके?
हमें क्या पता, हम अपने मुद्दे से नहीं, जैसे पीने का पानी नहीं आता आपके, नहीं पानी के पीने का पानी आता है, बिजली आती है, ये नहीं हम कहेंगे। गंदा पानी बता रहे बहुत सारे लोग, गंदा पानी कभी कभी आने लग जाता है, ये कह रहे हैं कि पीने का पानी आता है, तो जो सड़कों में गंदा पानी नालों में खड़ा है, ता सफाई नहीं होती, तो उनको पी नहीं पाते ना। सफाई होती है लेकिन तरीके से नहीं होती, तरीके से नहीं होती, कि नाले साफ करे, नाली साफ करी जाए, ये सब किया जाए। तो इस बार आपने और विधायक को कम से कम इतना चाहिए कि कभी कभी साल में एक मरते मुला के पूछे ये बात। हाँ, केजरीवाल जी को कोई शिकायत नहीं है, केजरीवाल जी को कोई शिकायत है, क्योंकि अच्छे विधायक कह रहे हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं इस बार आपका प्रत्याशी कौन होना, आप किसको चुनेंगे, कौन काम कर सकता, किससे उम्मीद आपको? हजन शकीला नहीं करेंगे, जो आम आदमी जो दूसरा खड़ा है अब उसको मौका दे के देखेंगे हम। अच्छा, दूसरे आदमी को मौका देखेंगे, मौका देंगे, पहले भी आम आदमी पार्टी को दिया, फिर आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, फिर तीसरी बार आम आदमी भागेगा। अरे सुना तो सही, कहाँ जा रही हो आप, कहाँ जा रही हो, कहाँ रहे हो, आपका प्रत्याशी कौन होना चाहिए? हमारा तो हजन शकीला रहेंगे, हजन शकीला हो जी जी। एक इतने सारे आदमी में सिर्फ एक आदमी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी निकला है, बाकी हजन शकीला को बता रहे हैं। ठीक है, चलो उन लोगों की भी राय जानेंगे अंदर, ठीक है। अच्छे हाँ, वो बहुत अच्छा लोगों को, ठीक है।